कृषि कानून के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद की घोषणा की थी। इसे यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया था, जबकि बंदी को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में बंद का असर नजर आ रहा था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा तो किसान सड़कों पर नजर आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल सपा ने ट्वीट किया, भाजपा सरकार के काले कृषि कानून के खिलाफ आंदोलित किसानों के बुलाए गए भारत बंद का समाजवादी पार्टी पूर्ण समर्थन करती है, किसान विरोधी काले कानून को वापस ले सरकार। वहीं आपको बताते चले कि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि अधिकारियों को कहा गया कि वह भारत बंद को देखते हुए भ्रमणशील रहे, आमजन को कोई समस्या न हो पाए, जो भी कार्यक्रम हो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जरूरी कर ली जाए, रेलवे बस अड्डे पर सतर्कता बरतें, पश्चिमी यूपी के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखें। इसी के चलते आज रायबली कलेक्ट्रेट परिसर में भी कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। हम आपको बता दें कि आज कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों के द्वारा कृषि कानून के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें भारी संख्या में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यगण उपस्थित रहे। साथ ही उनके द्वारा एक ही मांग थी कि इस कानून को वापस लिया जाए। हम आपको बताते चले कि इस कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी समर्थन दिया है। इसी के चलते आज रायबली कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा था। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, विपिन व अनुपम के साथ। क्या परिचय है आपका? हम लोग रायबरेली जिले के अंदर अखिल भारतीय किसान महासभा, भारतीय किसान यूनियन, टिकैत, उत्तर प्रदेश किसान सभा, ये तीन बड़े किसान संगठनों की तरफ से जो देश में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज भारत बंद का कार्यक्रम था, उसके तहत यहाँ विकास भवन से डिग्री कॉलेज चौराहा होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक आए हैं और यहाँ अपना ज्ञापन सौंपा है। आज पूरे देश में किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर भारत बंद है। ये भारत बंद इसलिए है कि 9 महीने से दिल्ली में किसान बैठे हैं, उन कानूनों की वापसी हम चाहते हैं और हम फसल के MSP की गारंटी का कानून चाहते हैं। जी, मैं विजय विद्रोही, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन उत्तर प्रदेश का राज्य अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ किसानों और मजदूरों, छात्रों और नौजवानों के इस सामूहिक धरने और सभा में हिस्सा लेने के लिए हम मौजूद हैं कि आज पूरा भारत बंद है। इसमें किसान, मजदूर, छात्र और नौजवान चारों शामिल हैं। किसान अपने उन तीन कृषि काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश में आज भारत बंद के साथ खड़े हैं।